Now let's study a new topic, that is displacement of lens when object and screen are fixed. ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि एक्चुअली जब आप लैब करते हो, आपने फिजिक्स में लैब किया होगा ट्वेल्थ क्लास में, उसमें आपने क्या देखा होगा कि अगर कोई लेंस आपने लिया, ठीक है, आपने एक पिन प्लेस किया और पिन प्लेस करके आप देखते हो कि उसकी पोजीशन इमेज की पोजीशन कहाँ बन रही है, वहाँ पे आप दूसरा पिन रखते हो. ठीक है, तो कई बार ऐसी सिचुएशन आती है जब आपको ऐसा चीज़ चाहिए होता है कि एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन और एक पिन की पोजीशन है, कि जब आप ऑब्जेक्ट से देखो आपको पिन दिखाई दे और जब आप पिन से देखो तो आपको ऑब्जेक्ट दिखाई दे, तो इस पोजीशन को हम क्या कहते हैं यहाँ पे, कॉन्जुगेट पॉइंट्स. ठीक है, तो ऐसे जो कॉन्जुगेट पॉइंट्स हैं उसको क्या हम उस रेंज में और भी पा सकते हैं, वो हम यहाँ पे देखेंगे. तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जो एक लेंस के पास किसी सिचुएशन में रखा था. ठीक है, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट से लाइट रेस निकल रहे हैं और आपको फाइनल जो इमेज है वो आपको एक रियल इमेज मिल रहा है. ठीक है, तो वो जो रियल इमेज उसको मिल रहा है, दिस इज द लाइट और ये उसका हो गया ऑप्टिकल पॉइंट. तो वो यहाँ पे आया और एक उसके ऑप्टिकल सेंटर से होकर के निकलेगा, तो वो बिना डेविएशन के, ये इसका फोकस मान लीजिए आप, ये बिना डेविएशन के इधर होगा. ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ओके, सो वन इज योर ऑब्जेक्ट एंड द अदर इज योर इमेज. सो इन दिस केस व्हाट यू आर गेटिंग, दिस इज योर ऑब्जेक्ट and this is your image, it is of any height h2 and this is of any height h1. okay, now what you have to do according to the situation, you have to fix object and screen. agar hum object aur screen fix kar de to aisi aur kaun si position hogi jab hame image yahi pe milega, ye hamara aaj ka derivation hai. to isko hum kaise karenge ki maan lijiye jab yahan par hai, us case mein aapka distance ye ho jayega aapka. फर्स्ट लेट मी टेक इट एज ऑप्टिकल सेंटर को मैंने यहाँ पे एल से ले लिया, वो आपका एफ हो गया, ये आपका आई हो गया. ठीक है, और ये आपका, इसको एल ही ले लेते हैं. अब यहाँ के केस में आप इसको देखो कि ये जो आपका है ओ एल, एल एफ और एफ आई. अब जब मैं रिप्लेस करूँगी इसको किसी दूसरे पोजिशन पे करूँगी कुछ इस तरीके से कि ये आपका ऑब्जेक्ट तो यहीं पे है और इमेज आपको इन्वर्टेड यहीं पे मिल रहा है. देखिए इसमें ऐसा भी चीज है कि कभी आपने जब लेंस के पास रखा तो आपको इमेज बड़ी दिख रही है. ठीक, जैसे जैसे आप लेंस को दूर करेंगे वैसे वैसे आपको यहाँ पे क्या होगा, इमेज और छोटी दिखाई देगी. तो यहाँ पे मैंने ऐसी सिचुएशन ले रखा है, नेक्स्ट में आपकी जो इमेज है वो ये है. तो ये कुछ लेंस की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो आपने ट्वेल्थ क्लास में पढ़ा है कि इस सिचुएशन में आप देखिए, जब लेंस ऑब्जेक्ट के करीब था तो मान लीजिए उसकी हाइट h2 थी. अब जब मैं इस लेंस को, इसको और उसको फिक्स करते हुए शिफ्ट करूँगी तो धीमे धीमे उसकी जो हाइट है इमेज की वो आपको छोटी दिखाई देने लगेगी. और एक पॉइंट ऐसा होगा जब आप लेंस को रखेंगे, मान लीजिए कि आपने इस पर रखा, ठीक है, हाँ ये जो एक पॉइंट है इस पर क्या हुआ आपको कि ये ही ऑब्जेक्ट का इमेज आपको पॉइंट पे, इसी सेम पॉइंट पे मिल रहा, लेकिन इसकी जो हाइट है वो इसमें कम है. तो इसमें भी कैसा होगा कि ये लाइट रे ऐसे आया और ये इसके फोकस से, अगर मैंने इसके फोकस को यहाँ दे रखा है, ये फोकस पे टकराएगा तो I should make it approx equal. तो ये something focus है, तो ये यहाँ से जाएगा और दूसरी light ray आपकी optical center से सीधे होकर के बिना reflection के इधर निकल जाएगी. ठीक है, तो somehow it's not exactly the straight, it's seems little difficult to make straight line on this white board, है ना.
तो इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर होगा। आखिर क्या है, आपने देखा कि जो हमने ये लेंस का डिस्प्लेसमेंट किया, लेट द डिस्प्लेसमेंट बी डी, ठीक है, ये डी डिस्प्लेसमेंट किया, उसकी वजह से हमें ऑब्जेक्ट और इमेज की पोजीशन फिक्स हो गई कि ये ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज ये है। अब आप लेंस को चाहे यहाँ रखो चाहे वहाँ रखो, वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ही आपको दिखाई देंगे, केवल उनकी हाइट में डिफरेंस आएगा। तो ये क्या है यहाँ पे, अब हमें इनकी कैलकुलेशन करनी है कि ये कैसे हम निकालेंगे। तो मान लीजिए दोनों के बीच का, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का जो टोटल डिस्टेंस है वो है एल, और जितना आप डिस्प्लेस कर रहे हो वो है डी। तो एक्चुअली आप निकालोगे कैसे, कोई भी एक सिचुएशन को आप देख सकते हो। अब यहाँ पे हमने देख लिया कि अब दोनों को अगर मैं कंबाइन करूँ एक ही में इन दोनों को, तो मैं इसको कैसे दिखा सकती हूँ। तो मैं इसको ऐसे दिखाऊंगी, अगर मैंने दोनों को कंबाइन किया तो ये लीजिए, मैं यहाँ पे इसको कंबाइन कर रही हूँ, ठीक है, ये हो गया हमारा डी, ओके। अब आपको यहाँ से क्लियर हो रहा होगा, ये हो गया एल एल वन और ये हो गया, मैं इसको एल टू कर दूँ, ये आपका एल वन है। अब आपको क्या पता है, आपको पता है ओ एंड आई आर कॉन्जुगेट पॉइंट्स, व्हाट यू नो, ओ एंड आई आर कॉन्जुगेट पॉइंट्स। So if O and I are conjugate points, it means if O and I are conjugate points, तो इसका मतलब क्या होगा कि O L is equal to O L one is equal to L two I. It means O L one is equal to L two I. Okay, and O L one, O L one is equal to L two I, and O L one plus I, O L one plus L two I is equal to total आपका कितना हो गया, ये total length L है, O L one और plus L two I is equal to L minus D. Now you know these two are equal, so what you can say here, you can say that O L one is equal to L minus D upon 2. Okay, in the same way you can say that O L two is equal to L plus D by 2. तो सबसे important काम हमारा यही था निकालना कि हम O L one निकाले और O L two निकाले। O L one इसके केस में distance of the object है, O L two इसके केस में distance of the ऑब्जेक्ट है। अब देखते हैं यहाँ पे, व्हाट्स योर इक्वेशन हियर, कि जब हम यहाँ पे हैं एल वन आई, व्हाट इज योर एल वन आई, ऑल्सो वी कैन से दैट ओ एल टू इज इक्वल टू एल वन आई, इसको भी कह सकते हैं इसके अकॉर्डिंग ओ एल टू इज इक्वल टू एल वन आई, ठीक है, वाई, बिकॉज दे आर कॉन्जुगेट पॉइंट्स। तो यहाँ से आपको क्या मिला, आपको मिल गया कि ओ एल टू का मतलब एल वन आई इज ऑल्सो इक्वल टू एल प्लस डी अपॉन टू, ठीक। सो ओ एल वन इस केस में हो गया आपका, ये रिप्रेजेंट करेगा यू को, एल वन आई विल रिप्रेजेंट योर वी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लेंस इक्वेशन ले सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पे ये होता है वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इक्वल टू वन अपॉन एफ। वन अपॉन वी आपका कितना है, ये टू अपॉन एल प्लस डी माइनस वन अपॉन यू टू अपॉन एल माइनस डी इज इक्वल टू वन अपॉन एफ। नाउ दिस इज योर यू, है ना, so u will be sign convention, with sign convention it will be negative, so here you will get 2 and this will become then plus, और ये हो जाएगा आपका l minus t
plus n plus t upon l square minus d square is equal to 1 upon f. So आपका d d यहाँ से cancel हो जाएगा, आपको ऊपर मिलेगा 4lf is equal to l square minus d square, और f is equal to l square minus t square upon 4. Okay, so this is one of the easiest way, one more easiest way to find the focal length of the focal length of the lens. Okay, तो यहाँ पे क्या है, आप देख रहे हो कि f is equal to l square minus t square, means आपको object और image दोनों का जो conjugate points है, object और image, इनके बीच की distance पता है, और आपको ये पता चल रहा है कि lens के वो कौन से point पे वो conjugate हो रहे हैं. तो अगर आपको ये दो value पता है, then also you can find the focal length of this lens. Okay. In this case, I want to tell you that here, if this is your object of height h, this is h1 and this is h2, then this h is equal to under root h1 into h2. So I'm not going in depth of the derivation of this one. You have to just apply the magnification. In this case, h upon h1. सॉरी एच वन अपॉन एच, और इसमें क्या हो जाएगा, मैग्निफिकेशन आपका एच टू अपॉन, दिस इज द सेम ऑब्जेक्ट एच, ठीक है, तो एच अपॉन एच वन लिख ही देते हैं. मैग्निफिकेशन एम इज इक्वल टू, एक के केस में, पहले के केस में लिखेंगे तो होगा एच वन अपॉन एच, दूसरे के केस में लिखेंगे तो होगा एच टू अपॉन एच. तो ये सेम लेंस की बात हो रही है, ठीक है, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, सॉरी इस केस में ये ऑब्जेक्ट है और ये मिरर है, तो ये एच वन, ये h अपॉन h2, तो यहाँ से आपका क्या अप्लाई होगा, h इज इक्वल टू अंडर रूट h1 इनटू h2, ठीक है. तो आप ये समझ होंगे कि h अपॉन h2 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, इस सिचुएशन में ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, ठीक है. तो इमेज तो मैंने उसी पोजिशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये लिखा है, तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा. Now, let's see the deviation by a thin lens. आज हम ये सारे टॉपिक्स को पढ़ेंगे, उसके बाद हम इस पर, मैं इस पर आपको असाइनमेंट दूंगी, आपको सॉल्व करना, और मैं यहाँ पे जो भी डाउट्स होंगे आपको ऑप्टिक्स से रिलेटेड, उस पार्ट से रिलेटेड आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है. So your next topic is deviation by thin lens. तो ये बहुत ही आसान सा टॉपिक है, इवन ये सारे टॉपिक बहुत आसान है, क्योंकि हम लोग ये 12th क्लास का ही पढ़ रहे हैं, बट सिंस इट इज इन सिलेबस, तो मैं यहाँ पे कंप्लीट करा रही हूँ, मैं कोई चीज़ चाहती नहीं हूँ वैसे जनरली की छूटे. तो ये आपका लेंस है और ये आपका ऑब्जेक्ट है, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये ऑब्जेक्ट है, दिस इज योर ऑप्टिकल लेंस. अब यहाँ से आपने लाइट यहाँ पे इंसिडेंट किया, ठीक है, नाउ इंस्टेड ऑफ गोइंग स्ट्रेट, यू नो वेरी वेल दिस इज योर एयर, दिस इज ग्लास एंड दिस इज अगेन एयर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1. तो ऐसा सीधे जाने के बजाय वो क्या होगा, वो अपने पाथ से कुछ बेंड हो जाता है. सो दिस इज द, दिस इज इमेज एंड दिस डेविएशन इज डेल्टा. इससे पहले भी हम डेविएशन के बारे में पढ़ चुके हैं, डेविएशन इन अ प्रिज्म. तो यहाँ पे ये आपका हो गया डेविएशन, दिस इज योर डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस ऑप्टिकल सेंटर यू एंड दिस इज वी, ठीक है, और ये हो गया इसका एच. ओके, सो व्हाट इज योर हियर डेल्टा, अगर मैं इसको अल्फा बोलूँ और इसको बीटा बोलूँ, सो यू नो बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी आई कैन से दैट डेल्टा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा. ओके, सो आई हैव टू फाइंड आउट दिस डेविएशन, रिलेशन बिटवीन दिस डेविएशन एंड यू एंड मी. तो आप देखो यहाँ पे कि टैन, इसको मैं
tan delta भी लिख सकते हो, मैंने कहा है जब भी एंगल बहुत स्मॉल होंगे तो हम उसमें शिफ्टिंग कर सकते हैं कि tan alpha को alpha कर दिया, फिर alpha को sin कर दिया, ठीक है, तो ये हो गया आपका tan beta. Now tan delta is equal to कितना होगा, tan alpha कितना होगा आपका h upon u, और ये कितना होगा आपका h upon v. So if I use sine convention then this will become negative. तो tan delta is equal to क्या होगा, tan delta को अगर हम निकालें तो ऐसे हम देख सकते हैं कि deviation कितना होता है actually. अगर एक light है वो optical center से इसी point पे पहुंच रहा है, ये जो point है उसी point पे पहुंच रही है, ठीक है, लेकिन वो उसके focus से होकर के जा रहा है, और ये focus से होकर जाएगा तो क्या हो जाएगा, principal axis के parallel हो जाएगा. In this case, this is your delta. Keep remember, ये दोनों length same है और इनका यहाँ से जो height है, suppose this is of 5 millimeter, तो यहाँ पे भी ये height 5 millimeter पे है. Same ray means light, whatever light is there, but both are incident on the same point. तो उनमें जो deviation होगा, वो ऐसा कुछ होगा. तो इस case में आप क्या लिख सकते हो? That is h, and this is focal length. तो tan delta is equal to, अगर मैं दोनों को compare करूं तो this is h is equal to f, और यहां से आपको क्या मिलेगा, one upon यहां से आप कह सकते हो delta is equal to हाँ ये तो एक direct इसमें आ रहा है, but directly आप ऐसे भी इसको देख सकते हो, no need of making this one. इसको मैं बाद में इसी के थ्रू explain करूंगी कि कैसे h upon f भी है. वो यहाँ पे आप h कॉमन लो और लिखो 1 upon v minus 1 upon u, विच इज इक्वल टू h अपॉन f, और आप ऐसे देख भी रहते कि अगर ये पॉइंट ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट का जो भी पॉइंट है वो उसका फोकस पॉइंट हो तो वो जहाँ भी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा. इस केस में आपका डेल्टा ये और ये दोनों इक्वल होगा, तो हम कह सकते हैं tan delta is equal to h upon f इस जनरल केस में. तो इन दोनों को रिलेट करके स्टार्टिंग में मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ कि दैट इज इक्वल टू h अपॉन f. तो tan delta is equal to h upon f, and if angle is very small then again we can write delta is equal to h upon f. From here you can conclude that all the rays deviate with the same angle, जो मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पे आपको देखने में अलग लग रहा होगा, पर ये एंगल और ये एंगल डेविएशन दोनों सेम है. सो ऑल द रेज डेविएट बाय द सेम एंगल फॉर अ पर्टिकुलर थिन लेंस. कोई पर्टिकुलर थिन लेंस के लिए कोई भी रेज हो उसके ऑब्जेक्ट से डिपेंड नहीं करता कि किस पॉइंट से लाइट रे आ रही है, बल्कि उसके फोकल लेंथ पर डिपेंड करता है. सारी लाइट एक ही एंगल से डेविएट होंगी. ओके ओके, नाउ लेट्स स्टडी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ टू थिन लेंसेस. ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ टू थिन लेंसेस. इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ टू थिन लेंसेस. अब अगर दो लेंस है, दोनों थिन लेंस हैं, तो उनका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होगा? तो आपको पता है यहाँ पे ये डायग्राम मैंने ऐसे बना रखा है. अभी मैं क्या करूँगी कि यहाँ पे हमें क्या करना होगा कि ये जो लाइट डराइव होकर के रिफ्रैक्ट होकर के इधर आ रही है, उसके रिफ्रैक्शन से पहले ही ठीक है, यहाँ पे एक और लेंस होगा. तो अगर यहाँ पे एक और लेंस रखा है बीच में, दिस इज अनदर लेंस, तो ये जो लाइट रे इधर आ रही है, ये लाइट रे ऐसे आएगी. ओके, और ये उसका ट्रिकल लाइन है. अब ऐसे आने के बजाय में ऐसे से सीधे जाने की वजह ये क्या होगा, फिर से अपने सेंटर से थोड़ा मतलब अपने पाथ से डेविएट होके यहाँ पे हमें फाइनल इमेज देगा. अगर ऐसे नहीं होता तो फिर ये कहाँ पे आके देता हमें इमेज,
ये हमें तब यहाँ पे आके इमेज देता आई वन, ठीक है, मतलब कि ये जो ऑब्जेक्ट है इस वाले लेंस की वजह से इसने यहाँ पे इमेज दी आई वन, जो इसके लिए एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, और आपको फाइनल इमेज यहाँ पे मिली कुछ इस तरीके से। अब ये कुछ सीधा लग रहा, ठीक है, तो ये आपको इस तरीके से। अब आप यहाँ पे देखो, ये हो गया फर्स्ट डेविएशन, और फिर ये हो गया आपका, ये इधर से जा रहा था बट ये इधर हो गया, तो ये हो गया आपका डेल्टा टू। एंड व्हाट इज योर टोटल, दिस इज योर फर्स्ट डेविएशन, दिस इज योर सेकंड डेविएशन, और फाइनल डेविएशन इज योर दिस, फाइनल डेविएशन इज दिस, ठीक है। तो इस लाइन से इस लाइन तक टोटल डेविएशन कितना होगा, डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू। नाउ इफ नीडेड वी कैन राइट अगेन टैन डेल्टा इज इक्वल टू टैन डेल्टा वन प्लस टैन डेल्टा टू, देन अगेन टैन डेल्टा इज इक्वल टू टैन डेल्टा वन का मतलब क्या होगा आपका, व्हाट इज योर डेल्टा वन, ये आपका डेल्टा वन है। वैसे आपको पता है इफ दिस इज ऑफ फोकल लेंथ एफ वन एंड दिस इज ऑफ फोकल लेंथ एफ टू, तो इस सिचुएशन में यू नो दिस वेरी वेल, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट वी कैन राइट कि टैन डेल्टा इज इक्वल टू एच वन अपॉन एफ वन प्लस एच टू अपॉन एफ टू, ठीक है, डेल्टा इज इक्वल टू एच वन अपॉन एच टू एच वन अपॉन एफ वन प्लस एच टू अपॉन एफ, और ये हम दे सकते हैं डायरेक्ट टोटल, दिस इज माई एच अपॉन एफ। वट इज माई एच वन इन द केस ऑफ सिंगल वन लेंस, दैट इज एच वन एंड एफ वन, इन द केस ऑफ सिंगल एच टू दैट इज एच, इन दिस केस ऑफ सिंगल एफ टू देन दैट इज एच टू अपॉन एफ टू, एंड वॉट हैपन्स वेन वी कंबाइन इट, देन दिस इज इक्वेलेंट एच एंड इक्वेलेंट फोकल लेंथ, ठीक है। नाउ ऑलवेज आई टॉक अबाउट द ज्योमेट्री, नाउ अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री फर्दर इट्स डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द सिमिलर ट्राइंगल्स हियर, बिकॉज यू कैन सी वन ट्राइंगल इज ओवर हियर एंड वन ट्राइंगल इज दिस वन समथिंग, हम इससे लिख सकते हैं दिस इज माई एच वन एंड दिस इज माई एच टू, ठीक है। तो ये दोनों ट्राइंगल में हमें ऐसे कोई रिलेशन नहीं मिल रहा है क्योंकि वी आर नॉट नोइंग एनीथिंग अबाउट दीज एंगल्स, ठीक है। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, वी कैन सिंपली रिप्लेस दिस डायग्राम बाय दिस सिंपल डायग्राम। तो वहां पे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए मैं इस डायग्राम को रिप्लेस कर रही हूँ एक सिंपल डायग्राम से, जहां से भी हम इस चीज को कह सकते हैं कि यहाँ पे दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस एंड दिस इज योर वन लेंस, दिस इज योर लाइन जॉइनिंग ऑप्टिकल सेंटर, तो लाइट इज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जब भी कभी हमें इस सिचुएशन में ऑप्टिक्स में डायग्राम की ज्योमेट्री की कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, सो इट हैज टू गो स्ट्रेट वे बट इट विल बेंड टूवर्ड्स दी नॉर्मल मीन्स यहाँ पे, और ये हो गया आपका डेल्टा वन, ओके। नाउ अगेन इन बिटवीन देयर इज योर लेंस टू, ओके, तो अब ये फिर क्या होगा, ये यहाँ पे जाने पे स्ट्रेट जाने के बजाय ये फिर क्या होगा, ये थोड़ा बेंड हो जाएगा। सो दिस इज योर फाइनल इमेज, ओके, एंड डेफिनेटली ये जो पॉइंट था कि जहाँ पे इसके लिए मीट करता अगर कोई और नहीं होता तो वो इस वाले लेंस का फोकल पॉइंट होता, सो दिस इज ए एंड दिस इज बी। तो पहले वाले की जो हाइट है, ये जो पॉइंट है दैट इज एच वन, और इसके लिए इसको लिख सकते हैं एच टू, दिस इज द डेविएशन डेल्टा टू, और अगर मैं इसको पीछे की तरफ ऐड करूँ देन दिस लाइन इज रिप्रेजेंटिंग डेल्टा, वेयर डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू। तो यहाँ पे भी आप कह सकते हो कि टैन डेल्टा वन इज इक्वल टू दैट इज फॉर दिस वन, तो एच वन अपॉन एफ वन एंड दिस इज फॉर एच टू अपॉन एफ टू विद द फोकल लेंथ ऑफ दिस एफ वन एंड एफ टू। नाउ लेट्स सी,
Here we can find many things. Now see the triangle. Let me name this P and this is Q. P, A, F and here. इसको Q कह देते हैं. तो यहाँ पे देखो. In triangle P, A, F and triangle Q, A, F. तो आपको क्या दिखेगा कि this angle is equal to this angle is equal to this has 90 degree and this angle is common. So angle A is equal to angle B which is equal to 90 degree and angle F is equal to angle F which is common. Here H1 upon H2 is equal to here AF upon BF. What is your AF? AF is your focal length of first one and this is your BF. Okay, so from here you can see H2 is equal to H1 and what is your BF? This is F1 upon what is your BF? That is F minus D. F1 minus D. So what is your H2? H1 into F1 minus D all upon F1. ठीक है तो ये हो गया आपका H2. Now what was the deviation? Deviation was the total deviation is H1 upon F. So deviation produced by first one and the second one. So here you can write, आप यहाँ पे लिख सकते हो. So therefore this equation becomes means equivalent focal length of thin lens here H1 upon F1 और H2 की वैल्यू कितनी है H1 then F1 minus D upon F1. तो फिर हमें क्या मिलेगा और ये हो गया F2. तो हम इसको देख सकते हैं अगर इस पूरे इक्वेलेंट को निकाल के हम उसी हाइट पर निकल रखें जो पहले वाली सिचुएशन थी तो वहाँ पे ये H आपका H1 में हो जाएगा. सो दिस इज H1 अपॉन F और ये H1 आपका हर जगह से कैंसिल. दैट इज 1 अपॉन F इज इक्वल टू 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2 माइनस D F1 इंटू F2. नाउ कीप रिमेंबर दिस इज योर इक्वेलेंट फोकल लेंथ. कुछ नहीं करना है आपको. अगर एक नॉर्मल फोकल लेंथ सॉरी लेंस होता है तो उसका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कितना है 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ1 प्लस 1 अपॉन एफ2. बट इफ इट इज स्पेसिफाइड दैट इट इज अ टू थिन लेंसेस ओके व्हिच आर केप्ट अपार्ट. अगर वो सटा के रखे होते व्हेन दे आर केप्ट इन टच टुगेदर इस तरीके से ठीक है ऐसा आपने ट्वेल्थ क्लास में पढ़ा है तो उसका कंबाइन फोकल लेंथ कितना होता है 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ1 प्लस 1 अपॉन एफ2. लेकिन इफ दे आर केप्ट एट सम डिस्टेंस then what is the focal length 1 upon f is equal to 1 upon f1 plus 1 upon f2 minus d into f1 upon sorry minus d upon f1 into f2. तो इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है ठीक है. एक बात और आपको बतानी है यहाँ पे कि यहाँ से आप लिख सकते हो कि F is equal to further अगर मैं इसको calculate करूँ तो ये हो जाएगा आपका 1 upon F is equal to F1 F2 plus F1 minus D upon F1 into F2. That means F is equal to F1 into F2 और upon F1 plus F2 minus D. लेकिन ये तब के केस में है when it is kept in air. अगर ये किसी और मीडियम में रखा है क्योंकि एयर की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है वो होती है 1. अगर ये किसी और मीडियम में रखा है देन इट इज अपॉन म्यू मींस डी. अगर ये किसी और इंडेक्स में रखा हुआ है तो इसके साथ आप 1 अपॉन म्यू लिखना ना भूलें. मैं किसी और कलर से लिखती हूँ. उस केस में आप यहाँ पे 1 अपॉन म्यू लिखना ना भूलें ठीक है. तो इस चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है. इफ़ इट इज़ इन एयर देन डेफिनेटली 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ1 प्लस 1 अपॉन एफ2. इफ इट इज इन कॉन्टैक्ट इफ इट इज नॉट इन कॉन्टैक्ट 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ1 प्लस 1 अपॉन एफ2 माइनस डी अपॉन एफ1 इंटू एफ2. बट इफ इट इज केप्ट इन एनी अदर मीडियम एक्सेप्ट एयर देन यू विल राइट 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ1 प्लस 1 अपॉन एफ2 माइनस डी अपॉन म्यू into 1 upon F1 into F2. तो इतनी बात का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है. तो ये होगी लेंस से रिलेटेड कुछ बातें. अब इसके अलावा और भी चीज़ें हैं बट दैट डज नॉट कम्स इन एग्जाम. सो ये हो गई आपकी थियोरी के पोर्शन. अब कुछ देर में हम बात
बात करते हैं न्यूमेरिकल के बारे में. आई विल प्रोवाइड यू असाइनमेंट फॉर दैट. ओके ओके वेट 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 वन मोर थिंग इज देयर. इन केस ऑफ दिस यू राइट पावर. इसके केस में कैसे लिखते हो? P इज इक्वल टू पी वन प्लस पी टू. नो इट्स वेरी ऑब्वियस कि इस केस में क्या हो जाएगा. P इज इक्वल टू पी वन प्लस पी टू माइनस डी पी वन इन टू पी टू. डेफिनेटली अगर एयर में होगा तो डी अपॉन म्यू यहाँ पे भी होगा.